नमस्कार। अध्याय 9 चल रहा है हमारा और इसमें हमने गोली दर्पण के बारे में, पहले हमने परावर्तन के बारे में कर लिया था। परावर्तन के बाद हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से किस प्रकार से परावर्तन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा गोली दर्पण, गोली दर्पण की परिभाषा की, गोली दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण के प्रकार और उसकी विभिन्न जो उसके बिंदु थे उनकी हमने अलग अलग परिभाषाएं पढ़ ली थी गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, अब हमारा अगला बिंदु है, यहां आपके सामने लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो किरणों का प्रतिच्छेदित होना आवश्यक है। ठीक है, वो दो किरणें किसी सतह से जाए, सतह से टकरा करके जब वापस आए तो उनका प्रतिच्छेदन होना चाहिए, दो किरणें आपस में मिलनी चाहिए और जिस बिंदु पर दो किरणें आपस में मिलेंगी उस बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम यही लिखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का ये हटा देता हूं मैं, कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदित होना आवश्यक है, मतलब उनका आपस में काटना होना आवश्यक है। दो परावर्तित किरणें, किरण गई सतह से टकराई, टकरा कर परावर्तित होकर वापस आई और जब वो वापस आ रही है तो वो दोनों इस तरह के एंगल पर होनी चाहिए कि वो जो आपस में क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, एक दूसरे को काटें और जिस बिंदु पर काटेंगे उसी बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहली लाइन तो आप ये लिख लें, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमने तो देख लिया, हमने ये तो पढ़ लिया कि दो परावर्तित किरणें आएंगी वो प्रतिच्छेदित होंगी, जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित होंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, ये तो पढ़ लिया, लेकिन उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की स्थिति के निर्धारण के लिए हम कुछ बिंदु यहां पर काम में ले रहे हैं या कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए कुछ विशिष्ट आपतित, मतलब वो आने वाली उस पर गिरने वाली आपतित कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं, हमें उसका स्थान भी निर्धारित करना है, हमें उसकी जगह, हमें यह तो पता चल गया कि कहां बनेगा, जहां किरणें आपस में प्रतिच्छेदित होंगी, लेकिन वो इस जगह कहां होगी, फोकस पे है या अनंत पर है या वक्रता केंद्र पर है या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य में कहीं है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो आपतित किरणों का उपयोग करते हैं, अब वो किस कौन सी आपतित किरणें होती हैं वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहली जो आपतित किरण है वो अक्ष के समानांतर किरण है, पहली है अक्ष के समांतर किरण। तो ये आप ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी किरण आ रही है और उससे प्रतिबिंब कहां बनेगा तो हम
प्रश्न को आधा हल तो इनसे ही पता करके कर लेंगे, प्रश्न का आधा हल हम इन्हीं से निकाल लेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, किस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। पहला बिंदु है अवतल दर्पण के, पहले अवतल दर्पण की पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के मुख्य जो उसका अक्ष है, ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस केंद्र से गुजरती है। यह तो अवतल दर्पण के लिए हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, दर्पण से टकराई मतलब उसका परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद वो उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। तो पहला इसमें आएगा अवतल दर्पण, मैं इसके कुछ पॉइंट्स इस तरह से बना देता हूं जो दोनों के लिए अलग अलग हो जाए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस फोकस पे तो जाएगी, ठीक है, मुख्य अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ठीक है क्या होगा, उसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, या हम कहें फोकस केंद्र से गुजरती है। तो ये पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, अगर समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो वो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। देखो कैसे, मैं चित्र बनाता हूं छोटा सा, यहां ये अवतल दर्पण है, छोटा सा चित्र बना रहा हूं मैं, चलिए इधर हो जाता हूं, ये देखिए, ये बनाया मैंने इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य ध्रुव हो गया या फोकस, और यहां वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस एफ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, छोटा छोटा दिख रहा नहीं रहा आपको, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ये है एफ और ये है सी। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, अब ये परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, इस तरह से। ऐसे ही इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण है तो वो इस तरह से यूं गुजर जाएगी, ये प्रकाश किरण आ रही है, और ये मैंने एक साइड वाली ऊपर जो प्लस वाली है वो तो मैंने कंटिन्यूस बनाई है, और नीचे माइनस वाली मैंने डॉट 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 पर बनाई है, तो दोनों का जो गुजरने का वे है वो सेम होगा इस तरह से। तो यहां प्रतिबिंब निर्माण भी आपको दिख रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये समांतर गई, यहां से गुजर गई, हो सकता है इधर से बनाया, तो हम इधर से भी इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु उत्तल दर्पण पर, अगर उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरण आएगी तो वो क्या होगी, अपसारित होगी, ठीक है। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपसारित होती है, ठीक है, जिसे अब जब वो अपसारित हो गई तो फिर तो मिलेगी नहीं कहीं, वो तो दूर चली गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसे हम पीछे की तरफ बढ़ा के उसको डॉट 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 में बना के काल्पनिक रूप से बना करके जब देखेंगे तो वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी,
जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होती है, जाएगी वहीं से ही, ठीक है। चित्र देखिए, यही बना देता हूं उसका चित्र। ये लो, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इसका ध्रुव ओ, यहां इसका फोकस, मुख्य फोकस, और यहां इसकी है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, हो गया। अब प्रकाश की किरण इसके समांतर इधर से आएगी, इसके समांतर आई और ये इस तरह से अपसारित हो जाएगी। नीचे बना देता हूं समांतर, ये गई समांतर और ये इधर अपसारित हो गई। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ इस तरह से मिला ले जाएंगे तो ये यहां मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आ रही है क्या, ठीक है। ऐसा ही इधर यूं गया और यूं चली गई, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, सीधा कर देता हूं, ये लो। ये भी यहां से फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये होगा, ऐसा होगा उत्तल दर्पण में, जो अभी आपने देखा था वो अवतल दर्पण में। तो ये चित्र आप तरह से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो है फोकसीय किरण, फोकस से आने वाली किरण, इसका जस्ट उल्टा। ये तो क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो वो हमने देखी थी कि वो फोकस से गुजर रही थी। तो नंबर दो मैं ले रहा हूं, फोकसीय किरण, फोकसीय किरण। तो फोकस केंद्र से आने वाली, ये तो देखो इसी का जस्ट हम जस्ट उल्टा करेंगे। किरण यहां से समांतर आई, फोकस से गुजरी। अब अगर कोई किरण फोकस से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो फोकस केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दोनों में ऐसा होता है, उत्तल और अवतल दोनों में, ठीक है। चित्र देखिए, पहले मैं इस तरह का चित्र बना रहा हूं अवतल वाला, ये मैंने अवतल दर्पण लिया, ठीक है। और इस अवतल दर्पण में सारी चीजें मैंने बनाई, ओ एफ और सी।
प्रकाश की किरण यहां से आएगी, ऐप से मैं उसको लेके आ रहा हूं, जब मैं प्रकाश किरण को ऐप से लेके आऊंगा, ये लेके आया ऐप से, ठीक है, ये दर्पण पर आपतित हुई और अब इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इसका उल्टा ही है, बस हमने चिन्ह बदल दिया। देखो कैसे, देखो इसमें कैसे मैंने क्या किया, ये इसमें ऐसे था, मैंने इसको यूं कर दिया, बस इधर से यूं कर दिया और इधर से यूं कर दिया। तो नियम वही है, उसका थोड़ा उल्टा घुमा करके है, बस पहले किरण उधर से आ रही थी समांतर, अब किरण फोकस से आ रही है। इसमें देखो ये इसका है फोकस और ये है इसका वक्रता केंद्र। तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये आई, अब ये कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरह से, ये यूं इधर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि यहां से आ रही थी क्या, और ये इसके समांतर हो जाएगी, ये इसकी मुख्य अक्ष है ये वाली। तो दोनों चित्र आप इसके लिए बना लें, दूसरे नियम के लिए। नंबर तीन है अविलंबीय किरण। अविलंब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो दर्पण है उस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के 90 डिग्री पर हमने अगर कोई एक किरण, एक कोण बना दें, हम एक लाइन बना दें, तो वो अविलंब कहलाता है, ठीक है। या अविलंब की परिभाषा एक और हो सकती है कि वह बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए, वो अविलंब कहलाता है। तो उसी के आधार पर अविलंबीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि प्रकाश की किरण ऐसा, ये जो बिंदु होगा ये दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए होगा। वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से, यहां एक थोड़ा सा सेंटेंस बना देता हूं, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस गमन कर जाती है। तो वह, और ऐसा दोनों में होगा, दर्पण के, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में, जैसे जिस जिस दिशा से आई है उसी दिशा में वापस चली जाती है। जहां से वो आई उसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, ये चित्र बनाया मैंने, ये है कौन सा दर्पण है बताइए, अवतल या उत्तल, आपको दिख रहा होगा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये एफ है और ये सी है। अब अभिलंबी किरण कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से, क्योंकि यहां जब अभिलंब हम डालेंगे तो अभिलंब वक्रता केंद्र को कट करेगा, ठीक है, त्रिज्या जहां हम बनाते हैं। तो अभिलंबी किरण ऐसे या वक्रता केंद्र यहां से यूं आ रही है, यूं आई, तो ये परावर्तन के बाद वापस जिस दिशा से, इधर से आ रही थी इधर ही चली जाएगी।
ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण पर जो वक्रता केंद्र सुकिरण आती है वो अभिलंब के अनुदिशी आती है, अभिलंब है, अभिलंब के साथ ही आती है। इसका मतलब यहां जो आपतन कोण और परावर्तन कोण उनका मान जीरो होता है, कोई मान नहीं है यहां पर, ठीक है। ऐसा होगा सेम अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो वहां भी सेम ही कहानी होगी। देखो किस तरह से एफ सी कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसा था जैसे लगा जैसे यहां से जाती हुई रही क्या, और ये इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इसके बाद चौथा बिंदु है तिर्यक किरण। अगर कोई किरण तिर्यक का मतलब फोकस पर आ रही है, उस पर मुख्य फोकस पर नहीं आएगी, मुख्य केंद्र पर आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है चार नंबर है तिर्यक किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, कहां पर? दर्पण के ध्रुव पर, ठीक है, जहां पर उसका केंद्र बिंदु है वहां पर, जैसे ये है यहां आपतित होती है, तो वो जितने कोण से आप आ रही है जो उसका आपतन कोण है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये पहले बना ले, अभी कर देता हूं मैं उसको दो, ठीक है। तो दर्पण के दोनों प्रकार दर्पण होगा, ये पृष्ठ पर या पर हम बात करें ध्रुव पर, ठीक है। आपतित किरण आपतन कोण से ही, जितना आपतन कोण है उसी कोण से, आपतन कोण जो है आपतन कोण से ही परावर्तित हो जाती है। दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण आपतन कोण से ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है। कैसे? देखिए चित्र बना देता हूं मैं इसका जल्दी से। ये इसका पृष्ठ है, यहां पर ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर यहां पर मैंने बनाया है एफ और ये है सी, ये ए और बी और ये है ओ, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आ रही है, यहां से यूं आई, तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वो परावर्तित हो जाएगी। इसका जो आपतन कोण होगा आई और इसका परावर्तन कोण होगा आर, वो कैसे होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा तो इसके लिए होगा। दूसरे दर्पण के लिए देखिए कैसा होगा। वही सारी चीजें एफ सी ओ, यहां क्या होगा? इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी और उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो ये है तीनों नियम परावर्तन के, किस प्रकार से हम कहां कहां पोजिशन आप उसकी आएगी वो हम इनसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम छोटा सा बिंदु लेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, छोटा सा बिंदु है प्रतिबिंब के प्रकार, लेकिन वो अभी पढ़ेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद।
फिर एक बार स्वागत है आपका। देखिए हमने देख लिया था कि जब कोई किरण किस बिंदु से आ रही है तो वो कहां मिलेगी, मतलब प्रतिबिंब का स्थान कहां होना चाहिए, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब हम देख रहे हैं प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनेंगे। देखिए तो हम दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़ेंगे, पहला है वास्तविक और दूसरा है आभासी। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये सिर्फ इतना सा रहेगा कि वास्तविक में तो क्या है कि जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उनका परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद यदि वो वास्तव में मिलती हैं तब तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे हम देख रहे थे हम यहां पर जब उत्तल दर्पण पड़ा था, उत्तल दर्पण में हम देखा कि फोकस से आती हुई वो तो अपसारित हो गई, लेकिन हम समांतर आई कोई प्रकाश किरण, ऐसा हमने देखा था। देखिए कि हमने ऐसे बनाया और एक प्रकाश की किरण ऐसे यहां से समांतर आ रही है, अब ये तो अपसारित हो गई, तो कहीं मिलेगी नहीं आगे तो कहीं, और इधर से दूसरी आ रही है तो ये तो कहीं मिलने वाली है नहीं ये दोनों किरण। ठीक है, लेकिन हम उस चित्र को फिर इस तरह से बनाते हैं, वो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ये दोनों किरणें इस तरह से आकर के यहां इस बिंदु पर मिल गई क्या। तो इस तरह से जो दो स्थिति हो गई, एक तो किरणें वास्तव में आकर के मिल रही, जैसे इसमें हो रही थी स्थिति, देखिए आप यूं आई यूं गई, यूं आई यूं गई, इसका मतलब यहां दोनों किरणें आपस में मिल गई, इसमें ये हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो दो स्थिति हो गई, एक तो कि किरणें प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तन के बाद मिलती ही हैं, और एक में हो रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो पहला हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब बनते समय पता चली गया आपको, प्रतिबिंब बनते समय परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इसकी एक खास बात होती है, यह सामान्यतः उल्टा होता है। कैसा होता है? इनवर्ट, उल्टा। नंबर दो है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, देखिए अंतर वही है, मिलती है वास्तव में तो वास्तविक और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। ठीक है, देखिए जब परावर्तित किरणें आपस में वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है,
पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आवासीय प्रतिबिंब कहलाता है। और यह सामान्यतः कैसा होता है? सीधा। यह सामान्यतः सीधा होता है। हो गया। तो ये प्रतिबिंब के प्रकार सिंपल चीजें हैं, वास्तविक और आवासीय, दो दो इनाम ध्यान रखने हमें अगर पूछ लिए जाए परीक्षा में, या फिर जो हम प्रत्येक प्रतिबिंब बनाएंगे प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ उसकी ये हम कुछ विशेष बातें लिखनी पड़ेंगी प्रतिबिंब का। हमें देखो प्रतिबिंब निर्माण में क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो बिंब की स्थिति, बिंब कहां है, दूसरी चीज फिर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, और प्रतिबिंब का प्रकार, उल्टा है या सीधा है, वास्तविक है या आवासीय है, और छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी, तो उनमें से ये एक बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आवासीय है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का और जहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। प्रश्न इसके पहले के बिंदुओं से भी बनते हैं, वो प्रश्न आए हुए भी हैं, तो वो बिंदु है ही, लेकिन अब जो बड़ा प्रश्न जो बनता है 3 नंबर का, वो पॉइंट अब आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला बिंदु हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो अभी हम कर देते हैं पूरा अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, बिंब की स्थिति कहां कहां होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां कहां होगी, हमें यही बातें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग बिंदु लेंगे अवतल दर्पण के, अलग अलग बिंदु स्थिति बनाएंगे अलग अलग। पहला स्थिति है कि यदि बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहली स्थिति हम यही ले रहे हैं कि स्थिति फर्स्ट, वो अलग अलग स्थितियां यही लेंगे हम, यदि बिंब की स्थिति कहां है, अनंत पर, ठीक है। स्थिति वन है कि बिंब की स्थिति बराबर अनंत, मतलब दर्पण से बहुत दूरी पर, या वह बिंदु, अनंत का मतलब यहां यह नहीं होता कि वो बहुत 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 दूरी पर है, वो नहीं होता अनंत का मतलब। अनंत का मतलब हम वो मानेंगे कि वह स्थिति या वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, चाहे उसकी दूरी कितनी भी हो, ठीक है। तो वो बिंदु होता है अनंत बिंदु, जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक है, अब देखो चित्र से हम इसको समझेंगे, अब धीरे धीरे चित्र बनाऊंगा मैं और उससे समझेंगे, और उसी से हम इसकी सारी स्थितियों का यहां पर वर्णन करेंगे। तो ये मैंने बनाया है, इनको बहुत ध्यान से आपको समझना है।
यहां जब आप चित्र बनाएंगे तो बिना किसी स्केल के, हम जब चित्र बनाएंगे परीक्षा में भी बनाएंगे तो बिना किसी स्केल की सहायता से और बिना किसी मेजरमेंट की सहायता से बनाएंगे, तो वहां हो सकता है किरणों को थोड़ा आगे पीछे या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपको करना पड़ जाए, ठीक है। तो उससे करने से आपको समस्या नहीं लेनी आनी है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, क्योंकि हम बिना किसी स्केल के बिना किसी मेजरमेंट के यहाँ किरणें बना रहे हैं, ठीक है। वैसे जब हम ग्राफ की सहायता से बनाते हैं, यदि इसको आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है और परफेक्ट पोजिशन पर लाना है तो आप ग्राफ पेपर ले लें और उस ग्राफ पेपर में पूरा मेजरमेंट करके जब इसको बनाएंगे, आप इसको लगभग 3 सेंटीमीटर का बना लें और जब आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा आपका चित्र, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, जो आप चाहते थे वही आएगी, ठीक है। देखिए यहां पर है इसका फोकस एफ और ये है इसकी थोड़ा डबल ही होता है तो थोड़ा इधर बना देता हूं इसको, ये है इसकी वक्रता केंद्र, दोनों बिंदु हो गए। अब जब प्रकाश की किरण, अब प्रकाश बिंब कहां है, अनंत पर, इसका मतलब उस बिंब से जो किरणें आएंगी वो किरणें मुख्य अक्ष की, अनंत का मतलब सिर्फ इतना ही है बस, अनंत का मतलब सिर्फ इतना है कि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, अनंत का मतलब इतना ही समझना है आपको। अनंत का मतलब हमें यह नहीं लेना है कि वो बहुत दूर है उसको हम बनाए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं विशेष इसको कट कर देता हूं, जिससे इसकी दूरी एडजस्टेबल दूरी अभी हो चुकी है, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें यहां से आ रही हैं और ये इस मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, तो आप बनाइए इनको एक बार, देखिए ये प्रकाश की किरण यहां से आई और ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, अरे ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। इधर नीचे भी इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी, ये फोकस है, यहां से इस तरह से गुजर गई, ये गई इधर, और इधर से भी ये यहां से फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। तो दोनों प्रकाश की किरणें कहां मिली हैं, फोकस बिंदु पर या मुख्य फोकस पर दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिल गई हैं, ठीक है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये तो बिंब की स्थिति हो गई, अब यहां हम लिख रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बना है, F पर, मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन गया है F पर। अब प्रतिबिंब कैसा बनाया, छोटा बनाया या बड़ा बनाया, वास्तविक बनाया या आभासी बनाया, वो हम देखेंगे अगली क्लासेस में। इतना आपने कर ही लिया है, स्थिति हमें पता चली गई है, अब उसका आकार वास्तविक आभासी वो हम अगली क्लास में देखेंगे और आगे के चित्र भी हम इसके अगली क्लासेस में बनाएंगे। नमस्कार।